थैंक यू, एंजॉय कीजिए। आप क्या पियेंगे? मैं क्या पीऊंगा? तुम जरा मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रही हो बताओ मुझे। चिनार अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। तो प्राक ने ये जॉब हासिल करके बहुत होशियारी दिखाई। इस तरह वो अंडर ऑब्जर्वेशन भी रहेगी और सेल्फ मेड औरत के लिए डिवोर्स हासिल करना भी आसान है, वरना क्यों वो ये जॉब करती? हेडिंग की पहली अपील 2 हफ्ते बाद है। डिवोर्स के बारे में ही बात करने आई थी ऐसा लगता है। ऐसा लगता है? मैंने आपको अंदाजे लगाने के लिए नहीं, क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको रकम दी है। मुझे फौरन इस केस से मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज। क्या मतलब तुम्हारा तोपरक? चिनार, मैं जॉब की तलाश में थी, तुम जानते तो हो। पर यहाँ पे क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि तुम उसकी क्लाइंट हो। चिनार, इसमें हर्ज क्या है? मिस्टर ओकान जानते थे कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, उन्होंने ऑफर दी और मैंने कर ली। क्या मतलब यहाँ आने वाले को तुम चाय देती रहोगी? हाँ, चाय, कॉफी, बर्तन धोना, सफाई करना। वैसे भी घर पर यही काम करती थी, मेरे लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो, मुझे तुम्हारी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। चिनार, मुझे रेंट पे करना है और जिंदगी गुजारने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। काम किए बगैर पैसे नहीं मिलते और ये काम अच्छा है। जाओ, तुम अंदर जाओ, मीटिंग के लिए इंतजार हो रहा होगा। मैं यहाँ कोई मीटिंग वगैरह नहीं करने आया, ओकान से बात करने आया हूँ, और मुझे नहीं पता था कि यास्मीन यहाँ होगी। ये इत्तेफाकी मुलाकात है यानी? हाँ, इत्तेफाक है, बदकिस्मती से इत्तेफाक है। खैर चिनार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्या पियोगे, मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। तो पाक डिवोर्स लेने पर कायम तो है ना, क्योंकि चिनार उसे डिस्करेज करने की पूरी कोशिश करेगा। नहीं, क्योंकि तुपराग के सामने इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मिस्टर चिनार अगर इस शादी को बचाने के लिए जज को कन्विंस कर लेते हैं, तब ये केस कुछ लंबा हो जाएगा। क्या मतलब? आपका काम है जज को कन्विंस करना। मिस्टर ओकान, आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा बाप के बगैर रहे। चलो मैं चलता हूँ फिर। तुम ऐसा करो, अपनी मीटिंग के बाद मुझे कॉल करना, हम लंच पे बात कर लेंगे। चिनार, बैठ जाते, ऐसा कोई इशू नहीं है जिसे हम ना जानते हो, बात कर लो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में तुम न जानती हो। मैं आपको कॉल कर लूंगा मिस्टर चिनार। अरे, आपका मेहमान अभी तक गया नहीं शरफ खानम। मैं आप ही को देखने जा रही थी इकबाल खानम। नहीं, सिद्कू बाग में बैठा है, तो प्राग से ताजियत करने के लिए कह रहा था। मैंने बता दिया कि वो देर से आएगी। दरअसल मैं नहीं चाहती एक दफा फिर उनका आमना सामना हो। जैसी आपकी मर्जी। और ये कि वो चिनार से डिवोर्स ले रही है, मैंने ये नहीं बताया। यानी उसकी सोच में हो कि चिनार यहीं रहता है तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मेरा भरम रख लें तो मुझे बहुत खुशी होगी मिसेज इकबाल। ठीक है, मगर क्यों शरफ खानम, वो आदमी तो सिर्फ ताजियत के लिए आया है ना। हाँ है तो, लेकिन सिद्कू उल्टे दिमाग का लड़का है, उसको कुछ पता नहीं चलता। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अगर तलाक के बारे में जान गया तो बिला वजह तोपराग से उम्मीदें बांध लेगा। क्या मतलब शरफ खानम, तोपराग
अगर वो उसके साथ खुश होती तो भी तलाक ना लेती। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सिद्कू ने वक्त पर तलाक ना देकर तुपराक को बहुत परेशान किया था। जब देखा कि तुपराक अपने फैसले पर डटी हुई है तब मजबूरन तलाक दी। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इस शख्स का आना खैर की अलामत नहीं है? हाँ ठीक है, मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती बल्कि इन चीजों से दूर रहना चाहती हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमें कोई तदबीर कर लेनी चाहिए वक्त से पहले? सही कहा ना? आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा शरफ साहिबा। अम्मी जान आपने क्यों जहमत करी? खैर से पियो। तो तुपराक ने हुआ है क्या? मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं, मुझे यकीन है ये सब कुछ तो तुपराक के हाथ से हुआ होगा। उसने हमारा छोटा सा बगीचा भी जन्नत जैसा बना दिया था। रमजी बाबा कैसे हैं? बहुत अफसुर्दा होंगे हवा की मौत पर। अफसुर्दा कैसे नहीं होंगे, जैसा भी है बाप है। मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने सुना मेरा दिमाग घूम गया। हवा की मौत पर कोई जुमला भी आपके सब्र का बाइस नहीं बन सकता। मेरा ख्याल था कि हवा का और हमारा साथ हमेशा रहेगा, मगर तकदीर इलाही, अल्लाह तुपराक को सलामत रखे। आमीन या रब। कहाँ है इस वक्त तुपराक? मुमकिन हो तो उससे मिल लूं मैं। नहीं जहमत मत करो बेटा, वो आ जाएगी तो मैं बता दूंगी उसको। कैसी जहमत भला अम्मी जान, इस बड़े शहर में हमारा एक दूसरे के अलावा कौन दोस्त है भला? आप एड्रेस तो दे मुझे। यकीन करो मुझे नहीं पता। अब तो तुम भी बिजनेसमैन बन चुके हो, तुम्हारे काम का हर्ज ना हो। नहीं नहीं मैं बिल्कुल आराम से हूँ शर्फामा, मेरा बॉस मुझ पर फिदा है, मेरा एक कदम मुल्क से बाहर रहता है। ठीक है, अल्लाह बेहतर करे। यकीन करो उसका एड्रेस नहीं पता मुझे, और फिर तो प्राग के आने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है बेटा। खैर कोई मसला नहीं, मैं फिर दोबारा आऊंगा। किसी चीज की जरूरत है मामा? शुक्रिया मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारे रास्ते खोले। देखिए ये मेरा फोन नंबर है, रात में दिन में जब भी जरूरत पड़े आप बगैर झिझक के मुझे फोन कर लीजिएगा। मालूम है तुपराक डाइवोर्स ले रही है, चिनार अफंदी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, रमजी बाबा भी नहीं है। अगर आपको घर पर किसी मर्द की जरूरत पेश आए तो बगैर झिझक के मुझे फोन कीजिएगा आप, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने कहा समझो हो गया। क्या मतलब मामा, ये तो मेरा फर्ज है। आप सलामत रहें, तो तुपराक को मेरा सलाम कहिएगा। एक तुम्हारी कमी थी या अल्लाह या रसूल अल्लाह। इस कमरे में हमारी बातचीत यही खत्म हो जानी चाहिए, मैं हरगिज ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। अगर इसका कोई और हल होता तो मैं आपको शुरू में ही बता देता मिसेज अमरुद। ठीक है मैं आपके अंदेशे से वाकिफ हूँ, आप कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाएं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ऑपरेशन और ट्रीटमेंट कितना जरूरी है। नहीं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। मिसेज अमरुद ये इलाज सिर्फ मेडिसिन से नहीं हो सकता। देखें हर चीज की तलाफी हो सकती है, हमारी अव्वलीन तरजीह इस बीमारी से निजात हासिल करना है, बाकी मेडिसिन बाद में इस्तेमाल हो सकती हैं। आपने जो कहना था कह दिया डॉक्टर साहब, ये मैं हूँ, बीमार भी मैं ही हूँ और ज़िबा भी मुझे ही करना चाहते हैं, और मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती। मगर आपकी सेहत, सेहत के लिए मैं अधूरी औरत नहीं बनूंगी, मैं कुछ नहीं करवाऊंगी आप समझ के। बिलखसूस अगर मैं ऑपरेशन करा भी लूँ तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या गारंटी देते हैं आप मुझे? मतलब ये कि हम एक जैसा सोच रहे हैं, इसीलिए मेरा फैसला पक्का है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। आप हकीकत तस्लीम करें। कह दे अब कि सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए। बोले शुरू में आपने मुझे बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है, अब आप मुझे अधूरी औरत बनाना चाहते हैं। उस वक्त अपने आप को क्या महसूस करूंगी, आईना कैसे देखूंगी मैं? हाँ डॉक्टर, दरअसल उस वक्त मैं जीते जी मर जाऊंगी, बिल्कुल अधूरी हो जाऊंगी।
बिल्कुल खत्म होकर रह जाऊंगी। मैं नहीं चाहती ऐसा। आपके हाथ सलामत रहे। जानती हो तुमने एक बहुत अच्छी जॉब का इंतखाब किया है। कंप्यूटर के आगे बैठी हुई एक बेचारी सी औरत जिसको सही से कंप्यूटर का इस्तेमाल तक करना नहीं आता उसके बजाय एक बावर्चन होना ज्यादा अच्छा है। अच्छा फैसला है। खैर तुम्हारा काम आसान हो। गुड बाय यास्मीन। गुड बाय। इत्तफाकिया मिलना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं यहाँ अपनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ। चिनार यहाँ क्यों आया था? केस के लिए कोई जरूरी काम था? वो यहाँ केस के बारे में बात करने आया था, लेकिन यास्मीन यहाँ थी तो कोई बात नहीं हो सकी। अगर आपको भूख लगी हो तो सैलेड तैयार है। काफी ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में तो। थैंक यू इसके लिए, पर मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। हेलो। मुझे कहती हो घर से निकलते ही फोन करना और अपना मोबाइल बंद रखती हो। मुझे काम था। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं घर से निकलकर तुम्हें रिपोर्ट दे दूं। तो उपरा घर पर नहीं थी, जॉब मिल गई उसे। हाँ मुझे मालूम है इस बारे में। मैडम अगर तुम्हें खबर थी तो मुझे यहाँ पर क्यों लाई तुम? उफ, मुझे भी अभी मालूम हुआ है यार। खैर शाम में वो घर आ ही जाएगी। एक काम करो, उसकी जॉब वाली जगह पर चले जाओ। नहीं नहीं रुको एक मिनट, मैं अभी तुम्हें कॉल करके बताती हूँ। अभी मैं एक काम में मसरूफ हूँ। बादशाह को अपने कैब से वास्ता होता है, तुम मेरे पैसे जमा करवाना मत भूलना। ओके ओके, तुम 30 मरतबा बता चुके हो। बाय। क्या हाल है तुम्हारा शरफ खानम? शुक्र है अल्लाह का। यानी उस आदमी ने इस्तांबुल में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं उसको किसने बताया वो यहाँ पहुँच गया। मैं तो उसको खुद यहाँ देखकर परेशान हो गई। सच कह रही हूँ वल्लाह। मेरी अकल भी दंग रह गई है शरफ खानम। वो आदमी उसके घर का एड्रेस भी जानता है, हाथ हिलाता हुआ टहलता हुआ चला आया, जैसे हर बात से वाकिफ है। उसे यहाँ का पता किसने बताया? कहीं टोपरा का ताकुब तो नहीं करता है वो? अल्लाह बचाए मिसेज इकबाल। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या मालूम। आपके फिक्रमंद होने पर मैं भी परेशान हो गई, झूठ क्यों बोलूं? नहीं यानी मुझे क्या पता, एक वक्त ही पागलपना था इसका, लगता है अब अकल आ गई है। ऐसी जसारत दोबारा नहीं करेगा। ये वही है ना टोपरा को छुरी मारने वाला, वही शख्स है ना ये? मुझे अफसोस है इकबाल मैडम, एक वक्त था टोपरा ने इस शख्स के हाथों बहुत तकलीफें उठाई थी। वाह बेटा वाह, अब मुझे याद आ गया, जब हम उर्गुप गए थे किसी मंगनी में जिसमें हम गए थे, अगर ये दोबारा मुसलत हो गया टोपरा पर तो वो यहाँ तक आ गया। मुझे तो डर लग रहा है। नहीं नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। उस वक्त उसने ऐसा पागलपना किया था, मगर अब ऐसा लगता है उसे अकल आ गई है। ये ऐसी हरकत नहीं है ये दोबारा की जाए। शरफ खानम आप इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकती हैं? मैं उसे जब पहले देखती थी तो मुझे उसे खदशा महसूस होता था, मगर अब काफी अकलमंदी का मुजाहरा किया उसने, वजह पता भी बदल ली और लगता है सुधर गया पहले से। इसका रुझान था तोपरा की तरफ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं कमजोर पड़ गई थी। वल्ला मैं ठीक से ये मामला समझ नहीं सकी हूँ मिसेस शरफ। उस आदमी की सोच या रुझान से टोपराक का क्या वास्ता है? आपने कहा उसने वजह कता बदल लिया, यानी लगता नहीं कि उसने माफ कर दिया होगा। खैर मगर मैं अब तक आपके खदशात का सबब नहीं जानती, हम उसी के मुताबिक कोई तदबीर करते। ठीक कह रही हूँ ना मैं मिसेस शरफ? जी सर, तो क्या खाना पसंद करेंगे आप? आपने कुछ सेलेक्ट किया या मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं थैंक यू, असल में
मैं वेट कर रहा हूँ, किसी का बाद में करूंगा। ठीक है सर। जी अम्मी। कैसे हो बेटा? बस ठीक हूँ अम्मी। आप बताएं, कोई जरूरी बात? नहीं, कोई अहम बात नहीं है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। या तो तुम घर पर आ जाओ या मैं दफ्तर आ जाती हूँ, मैं यही कहने वाली थी। हाँ ठीक है अम्मी, आपके पास मैं बाद में चक्कर लगाता हूँ, फिलहाल एक मीटिंग में जाना है। खुदा हाफिज। हमें वक्त जाया करना नहीं चाहिए। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तोपराग से क्या वास्ता है? आपका काम आसान हो। मैं यहां एक जरूरी काम से आई थी, तो सोचा अपनी कजन को और अपने शोहर को हाय कहती चलूं। कैसी हो तुम? आते हुए सादात से मिली। हाय, वो लड़का कितना खुश है। यहां तक के उसने अपने भाई के साथ इस वीकेंड पर आने का भाई से पूछकर प्रोग्राम भी बना लिया है। मुझे खबर है। एक्साइटेड हो ना? कहने का क्या मतलब है, मैं अपनी जगह ठीक हूं। खैर, ये प्रपोजल वाले सिलसिले में अगर कहीं मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मेहमत भी मदद करेगा। है तो ये एक नेक काम ना? सेल्फिश हो तुम, है ना? केस की आने वाली डेट जल्दी मिल जाएगी, ये बताने के लिए मैंने कॉल की थी। मैंने आपको कॉल बैक करने का कहा था, आने का नहीं। सही, गलती मेरी है या नहीं? ऐसा नहीं है, आने से पहले मुझे कॉल कर देते, मैं तोपराग का बता देता आपको, आपके लिए सरप्राइज तो ना होता। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि तोपराग एक समझदार लड़की है और तुमने उसे नौकर बनाया है। उसका मेरे पास होना हमारे केस में आसानी करेगा। तुम्हारे पास भी हर बात का जवाब है। हमारी एक डील हुई थी, अलगाज होल्डिंग की तमाम कार्रवाई को उसे कैसे छुपाओगे? किचन वर्कर्स से अपने काम या बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना मेरी आदत नहीं मिस्टर चिनार। खुशामदीद। तो क्या खाएंगे आप, डिसाइड कर लिया? मेन्यू देखने की फुर्सत ही नहीं मिली मुझे। कोई बात नहीं, ये ट्राई करके देखें, आपको पसंद आएगा। हाँ, सुपर ऑफर है ये। मेरे लिए आप कुछ हल्की फुल्की सी खाने की चीजें लिया, मुझे खुशी होगी। ओके। इसके लिए कोई मेन्यू वगैरह लाने की भी जरूरत नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सर, आपके लिए क्या लाऊं? थैंक यू, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो प्राग तुम्हारे पास काम नहीं करेगी। इसकी वजह क्या है? क्या मतलब वजह क्या है? मैं नहीं चाहता कि वो इस किस्म के काम करे, चाय वगैरह लाके सर्व करना। ये उसकी अपनी चॉइस है और उसे इस काम से कोई परेशानी नहीं है। देखो, तोपराग मेरी बीवी है और मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम्हारे पास काम नहीं करेगी। ओके, आप जैसा चाहें। खुशामदीद यास्मीन मैडम। हेलो स्वीटी, लाले सो रही है क्या? जी हाँ, वो अभी उठी है सोकर। हाँ ग्रेट, प्लीज उसकी सारी चीजें समेट कर उसे मेरे पास ले आओ, आज मैं उसके साथ कुछ टाइम गुजारूंगी। क्या कहा मैंने? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी। कौन आया है, कौन चीख रहा है वहाँ? आशा, मिस यास्मीन आई है इकबाल मैडम। ओ, ये कहो ना, नागन आई है डसने के लिए। ओ, इकबाल मैडम, मुझे लगा था कोटी फरोख करने के बाद आपने कहीं दूर अपनी दुनिया बसा ली होगी और हमें यहाँ कभी नजर नहीं आएंगी।
क्योंकि यहाँ पर रही किसी भी चीज से अब आपका कोई ताल्लुक नहीं। बंद करो अपनी ये बेतुकी बातें, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों नजर आ रही हो बस ये बताओ। खाला होने की हैसियत से मैं लाले के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वाकई? तो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लड़की लाले को तैयार करके लाओ ताकि वो अपनी खाला के साथ बागीचे में कुछ देर खेल ले। नहीं, बाग में नहीं, मैं उसे कहीं और लेकर जाऊंगी। और ये कि जहाँ लेकर जाऊंगी वो जगह आपको पसंद आएगी। उसे उसके बाप के पास ले जाऊंगी, हम तीनों एक साथ बहुत अच्छा सा टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अगर आपको एतराज ना हो तो। बेटा तैयार कर दो लाले को, तुम भी इनके साथ जा रही हो। बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं लाले को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। क्यों? आप भूल गई क्या, अनकरीब आपका पोता होने वाला है। तुम्हारा हुलिया देखकर तो पता ही नहीं चल रहा, तुम नहीं उठा सकती बच्चे की जिम्मेदारी। अगर आप अपने पोते के बारे में डर रही हैं तो आप फिक्र ना करें मिस इकबाल। हाँ, मेरी अकल में ये बात नहीं आई, मैंने तो लाले के बारे में कहा था। तुम खुद बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई हो, इस हालत में तुम बच्चा बच्चा नहीं उठा सकती बिल्कुल भी। लड़की चलो तैयार करो लाले को, जल्दी करो चलो। ऐसा मत करें खुदा के लिए, क्या हम डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं? अगर आपको यहाँ से तसल्ली नहीं है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन आप इस तरह से जिद ना करें। मिस्टर नजीब, मैं जिद नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने फैसला किया है उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसा फैसला, क्या मुझे नहीं बताएंगी जमरत मैडम? इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज क्या है, मौत का सोचना या मुकाबला करना। मैं भी यही करूँगी, अच्छी तरह सोचूंगी, ठंडे दिल से सोचूंगी, क्या पता केमोथेरेपी के अलावा भी कोई इलाज है या नहीं, इसकी भी मालूमात हासिल करूंगी, मुझे क्या खाना होगा, कैसा पीना होगा, मैं मालूम कर लूंगी। मिस्टर नजीब, आपको कोई नजले की बीमारी नहीं है, आपको कैंसर है। देखो, देख रहे हो मिस्टर नजीब, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। प्लीज, अगर तुम इसी तरह मेरे सर पर सवार रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, खासतौर पर किचन में, यानी क्या और कैसे करूंगी पता नहीं, यानी काफी अरसे से मैं किचन में नहीं गई हूँ, इसीलिए प्लीज प्लीज आप मेरे सर पर सवार मत हो, प्लीज ऐसा मत करें। मिसेस जमरत, हर चीज एक तरफ और ये बीमारी एक खतरनाक चीज है, इसका इलाज लाजमी करवाना होगा। फिलहाल हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हमें हॉस्पिटल चलकर फौरन इलाज शुरू करवाना चाहिए, देर करने के बाद अफसोस करने का क्या फायदा। सेहत के साथ आपको जुआ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा मैं, और हमेशा याद रखिएगा ये जिंदगी आपकी नहीं मेरी भी है। मिस्टर नजीब, आप क्यों मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं? प्लीज डियर, गार्डन में जाएं, मैं कॉफी बनाती हूँ, साथ पेस्ट्रीज भी लेकर आती हूँ, आप चले मैं जल्दी से लेकर आऊंगी मेरी जान। मिस्टर नजीब, आप अभी तक यही हैं? प्लीज चले, देखो हम इस तरह ज्यादा खुश रहेंगे। सर और कुछ लेंगे? लगता है आपको मेरी चॉइस से बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पेमेंट कर देता हूँ। खाना खाने दोबारा आऊंगा, तुम्हें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं इंतजार करूंगी। ओके, फिर दो हफ्ते बाद अदालत में मुलाकात होगी मिस्टर चिनार। ओके, देखो तोपराग के लिए कोई काम ढूंढना है, ठीक है? ये काम तोपराग ने खुद ही ढूंढा था और मैं उसे यहाँ से नहीं निकालूंगा, ये तो आप जान गए होंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे। मैं तुमसे अकेले में कहीं मिलना चाह रहा था, तो मुझे कॉल करना। ठीक है। उफ अल्लाह। हाँ यास्मीन, कैसे हो चिनार? ठीक। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इजाजत है? यार अभी मैं सरप्राइज वगैरह के मूड में नहीं हूँ। कम ऑन चिनार, लाले को लाई हूँ,
खाला भांजी कुछ वक्त साथ गुजारेंगे मैंने सोचा, फिर हम कहीं खाना खाएंगे। तुम ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हो? फिर लाले भी तो उदास है तुम्हारे लिए। चलो अच्छा किया तुमने। ठीक है तो फिर मैं इंतजार करूंगी। हेलो मिस्टर रोकान, अगर किसी और चीज की जरूरत ना हो तो मैं जा सकती हूँ? ओह काफी टाइम हो गया, तुम जा सकती हो। फिर मैं चलती हूँ। हाँ तो प्राग, अगर चाहो तो तुम्हारी सैलरी से तुम्हें कुछ एडवांस दे दूँ। नहीं फिलहाल जरूरत नहीं है, शुक्रिया। ठीक है, अगर जरूरत हो तो बिना झिझक के कह सकती हो। ओके बता दूंगी, गुड इवनिंग। उफ यार, ये नहीं जाएगी। मैं काम कर रहा हूँ। प्लीज उकान जी, सुबह से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ये क्या एटीट्यूड है? आइसल मैं काम कर रहा हूँ और तुम भी ऐसे ही करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम हर वक्त काम करते हो डियर, मगर शाम को मेरी तरफ तवज्जो जरूर देते थे कि तुम्हारे रूम में आ जाऊं, तो प्राग तुम्हारा माइंड चेंज कर रही है। अब क्या उसकी बारी है? आइसल बातें मत बनाओ, तुम्हारी जलीसी वाली बातें मुझे पसंद नहीं। ऐसा है, मगर तुम उसे कैसे देख रहे थे? मैंने देख लिया था। असल सबब क्या है जानती हो तुम? मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, और वैसे भी तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड तो था ना, तुम उसके पास वापस लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या कह रहे हो यार, मैंने तुम्हारे लिए उसको छोड़ दिया। तो वापस जाओ उसके पास, जो चाह हासिल कर लिए, खेल खत्म ना। ऐसा भी कहा जा सकता है, तुम्हें मुझसे क्या तवक्को थी? मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहूंगा? सोसाइटी के मारूफ वकील ओकान की बीवी बनना चाहती थी, ऐसा ही है? हैवान! इतना काफी है, मैं मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तुम जरा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, बेहतर होगा। कोई तवक्को नहीं, तुम्हारा काम आसान हो, मीटिंग में मैं नहीं आऊंगी। देखो लाले, छोटे छोटे टेडी बियर्स हैं। अरे देखो, अभी तो तुम ये पढ़ रही हो खाला की जान, बाद में मैगजीन और रसालों से ही तुम्हें इतना अरूज मिलेगा कि फुर्सत ही नहीं मिलेगी। देखो ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चलो तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे खिलौने लाएंगे। काफी टाइम हो गया, शाम हो गई, चलो इसे जल्दी से ये पहना दो, हमें फौरन खाने के लिए निकलना है। ओके ठीक है यास्मीन मैडम। मेरी छोटी सी बेबी, चलो आज जो तैयार होते हैं। हेलो यास्मीन, क्या हाल है तोप्राक? तुम बड़े थका देने वाले कामों में बिजी होगी यकीनन। क्या बात है यास्मीन, क्या चाहती हो? मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम आज सुबह से लाले के साथ हैं, थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे जाएंगे। दरअसल खाने के बाद मुझे लाले को छोड़ने जाना है, मगर एक काम निकल आया, मैं उसे आयशा के साथ अकेले नहीं भेजना चाहती। हम वही है जिस होटल में मैं रह रही हूँ, तुमसे भी करीब है, क्या तुम आकर ले सकती हो लाले को? ओके यास्मीन, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम होटल का एड्रेस दे दो। बाय।
मिसेज अमृत, मैं आ गया हूं। मिसेज अमृत, डर गई। आप इतना डर जाएंगी मुझे अंदाजा नहीं था। आई एम सॉरी। आपने कहा था मैं आता हूँ, मगर आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे अंदाजा नहीं था आप अचानक आ गए। तो क्या हो गया इस तरह आने से? मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे ऐसी हालत में देखें। फिक्र मत करें, अभी तैयार होती हूँ। बाहर डाइनिंग टेबल देखकर मुझे अंदाजा हुआ आप कितने सलीकाशुवार हैं। वाकई आपको बहुत अच्छा लगा। क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? मैं मुंह देखी बात नहीं करता, आप जानती हैं अच्छी तरह से। हाँ, लेकिन जायके के बारे में अपना ओपिनियन मैं सिर्फ खाने के बाद ही देता हूँ। सब कुछ मैंने यही बनाया है जो आपके सामने है। कायसरी वालों का उसूल है ये, वो लोग इसी तरह बनाते हैं, और आज मैंने पहली मर्तबा बनाया है। काश कि ऐसी हालत में आप अपने आप को इतना ना थकाती। क्या इतनी बुरी नजर आ रही हूँ मैं? ओके ओके, चेंज करके आती हूँ प्लीज। आप आराम से बैठे, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर नजीब, खाला की जान देखो इसमें से कितनी सारी आवाजें आ रही हैं। अरे देखो ये कितना अच्छा है, मजा आया तुम्हें? चिनार आ गया। ओहो, देखो अपने बाबा से कौन मिलने आया है। हा? अरे मेरी प्यारी बेटी, ओए ओए ओए, हम इतने मजे से खेल रहे थे, कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? अच्छा लगा? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज की सारी थकान दूर हो गई मेरी। मेरा प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा। हम पूरा दिन घूमते फिरते रहे, जानते हो, बहुत सारी शॉपिंग की, मैंने इसे बहुत सारी बुक्स पढ़कर सुनाई है ना खाला की जान। अच्छा वाकई इतना मजा आया कि कहीं टिक ही नहीं रही है। ओ, थोड़ी सी सर्दी लग गई है शायद, लाओ इधर दो। स्वीटी तुम इसे संभालो। जी ठीक है। मैंने लाली के लिए डिनर में अलग से खाना बनवाया है, और ओरिगैनो वाले बिस्किट्स हैं। मैंने होटल की इंतजामिया से पूछा मगर इन्होंने कहा नहीं है। फिर एप्पल फ्लेवर वाले मांगे, लेकिन आज इसका फ्रेश बीन्स खाने का मूड है। और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया। मैं सोच रही हूँ हम लोग यहीं बैठकर खा लेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन जरूरत नहीं थी आयशा, है ना? नहीं, मुझे मजा आ रहा है। तुम्हें तो याद ही होगा मैं तकरीबन हर रोज ही बाहर खाना खाने का कहती हूँ। मुझे भूख लग गई है, मैं अभी आती हूँ ताकि मैं अरेंजमेंट करवा सकूँ। हम जल्दी जल्दी ऐसा किया करेंगे, ठीक है ना चिनार? ये हम सबके लिए अच्छा होगा। हाँ जी जी बेटी। गुड इवनिंग। प्लीज बस आप जल्दी से हमारी टेबल रेडी करवा दीजिए उधर। आपसे प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक तोपराक नाम की गेस्ट आएंगी, प्लीज उन्हें बगैर पूछ गछ के डायरेक्ट हमारे पास ले आइएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओह मिस्टर नजीब, खाने के बाद मैं बनाने वाली थी। ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है। आपके हाथ सलामत रहे। जमरत मैडम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फिर तो खाना भी खा लेते हैं, उसके बाद आराम से मैं सब कुछ समेट लूंगी, ठीक है ना? गुड इवनिंग।
मैं यहाँ यास्मीन से मिलने आई हूँ, उसका रूम कौन सा है? आप मिस सोप्राग है ना? जी मैं ही हूँ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, मिस यास्मीन गार्डन में है। ओके चलिए। खाना खाते ही कैसे सो गए देखा? ऐसे ही करती है, खाना खाते ही मस्त होके सो गए। आइए। आपका शुक्रिया।